मथुरा की थाना कोसी कला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कंटेनर में ले जाई जा रही तस्करी की शराब से भरी 210 पेटियों को जब्त किया है और इसके साथ ही इस कंटेनर में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधि कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार चेकिंग चलती रहती है अवैध शराब का जो परिवहन है रोकने के लिए, और उसी क्रम में कल कोटवन पे चेकिंग चल रही थी और हमारे जो SHO हैं मुनीश कुमार और साथ में मदन कुमार जो चौकी इंचार्ज हैं कोटवन, तो वो चेकिंग कर रहे थे तो वहाँ पे एक संदिग्ध गाड़ी को रुकवाया गया। जब उसमें चेकिंग करी गई तो उसके अंदर फीड थी, मुर्गा फीड थी और चावल के जो छोटे कण रहते हैं उस तरीके से धोखा देने के लिए उन बोरियों के नीचे दारू को लेके आ रहे थे अभियुक्त जो हैं। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो जींद के रहने वाले हैं हरियाणा के, और 210 पेटी इंपीरियल ब्लू विस्की है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 12 से 15 लाख रुपए है और इसका ये परिजनों है जिससे कि इनको आर्थिक लाभ मिल सके। बनारस इनको गाड़ी लेके जानी थी, फर्जी बिल्डिंग इनके पास थी और इसके लिए बड़ी सफलता है। लगातार जो है शराब के परिवहन पे इससे रोक लगती है, लगातार दारू पकड़ी जा रही है और बड़ी मात्रा में पकड़ी जा रही है। और श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार लगातार इसमें अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस को सफलता मिल रही है। सेम टू उसका मोबाइल सेम टू है।